टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की पुलिस कस्टडी की मियाद शुक्रवार को खत्म होगी। उन्हें कल दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। दिल्ली कोर्ट ने दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वह शातुन और निकिता के सामने दिशा से पूछताछ करना चाहती है। पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील इरफान अहमद ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अहमद ने कहा कि पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान दिशा सवालों के जवाब देने में आनाकानी करती रही। अहमद ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने शातुन को नोट्स जारी किया है। दिशा ने सारा ठीकरा मामले में सह आरोपियों शातुन और निकिता जैकब पर फोड़ा है, इसलिए हम उन्हें आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहते हैं। पुलिस ने शातुन से 22 फरवरी को उनके सामने पेश होने को कहा है। दिशा रवि के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने केस की डायरी पेश करने की मांग की। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं। अग्रवाल ने केस डायरी से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई। एडवोकेट अभिनव शेखरी ने लीगल इंटरव्यू की मांग की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें लॉकअप में दिशा रवि से मिलने की इजाज़त दे दी। अदालत को बताया गया कि दिशा रवि ने जमानत की अर्जी दी है, जो 20 फरवरी को सुनवाई के लिए आएगी। 21 वर्षीय कार्यकर्ता को उसकी 5 दिन की पुलिस हिरासत के अंत में कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था। किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर टूलकिट साझा करने और एडिट करने के आरोप में दिशा रवि को 13 फरवरी को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया था। फिर उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने प्रो खालिस्तानी ग्रुप और उसके सक्रिय सदस्यों की पहचान करने और हटाए गए व्हाट्सएप ग्रुप को फिर से प्राप्त करने के लिए हिरासत की मांग की थी। इससे पहले आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के बारे में मीडिया में आई कुछ खबरें सनसनीखेज की ओर संकेत करती हैं। अदालत ने इस तरह की सामग्री को इस चरण में हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन मीडिया से कहा कि लीक हुई जांच सामग्री प्रसारित नहीं की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MNTV दिल्ली।